अच्छा, मेरी बहन है शगुफ्ता जमानी और बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन इनकी मैं चंद चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि 12 मई के का जो वाक़या हुआ उसमें लोग मारे गए, नो डाउट उसमें लोग मारे गए, और जिन्होंने मारा उनको गिरफ्तार भी होना चाहिए। अच्छा, उसमें जो लोग मारे गए, मेरा सवाल दोनों जमातों से ये है कि देखिए, ये दिन जलसा ठीक है, मर्जी है, लेकिन इस दिन तो कुरान खानी होनी चाहिए थी। इस दिन उन शहदाओं के घरों पर जाना चाहिए था, उन शहदाओं के घरों पर जाकर उनसे पूछना चाहिए था। किसी एक शहीद का नाम पता है आप लोगों को? किसी एक शहीद के इस दौरान 10 साल में पीपल्स पार्टी पीटीआई किसी के घर में गई? पता है हमें अपने शहदा का पता है, उनके घरों पे हम गए और जो कुछ कर सकते थे उनके साथ किया। लाशों पे सियासत सबने की, लेकिन कोई उनके घर आज तक गया नहीं कि उनके बीवी बच्चों के शहदाओं के घरों के क्या हाल हैं। सियासत सब करना जानते हैं। दूसरी बात बड़ी अजीब सी मुझे लगी कि पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि हम तो पुरअमन थे। तो क्या पीपल्स पार्टी की पुरानी तारीख अगर आप उठाएं अलजुल्फ़ार से लेकर आज तक, क्या इनकी तारीख दहशतगर्द से नहीं भरी हुई है? क्या ऑयल रिफाइनरीज पर हमले इन लोगों ने नहीं किए? क्या जहूर हसन भोपाली को अलजुल्फ़ार ने नहीं मारा? क्या प्रोफेसर हसन जफर जैसे लोग जो पीपल्स जो बेनजीर के पर्सनल सिक्योरिटी थे, उर्दू बोलने वाले थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी? फैसल रजा आबदी ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, इसहाक साथी इसहाक ने पीपल्स पार्टी छोड़ी? ये सब वो उर्दू बोलने वाले लोग थे कि जो पीपल्स पार्टी की तंग नजरी से तंग थे और उस तंग माहौल की वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी। पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद बाहर आ गए। चौधरी शुजात के वालिद साहब को अलजुल्फकार ने नहीं मारा? क्या पीपल्स पार्टी बहुत पुरमन जमात है? कल का जो जो एपिसोड दोनों जमातों ने यहां पर किया, मैं समझता हूं कि मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी क्रेडिट दे रही है कि बिलावल साहब ने एक स्टैंड ले लिया और बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि अब पीपल्स के अब हम जलसा अलग करेंगे, ये अपनी जगह जलसा कर लें। तो ये बात पहले करनी चाहिए थी। बिल्कुल, जब कराची में आपने आग लगा दी, वहां गाड़ियों को आग लगाई, और जो कराची के जो 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 लोग मुकामी रहायशी हैं वो बेचारे जो गाड़ियों पर आ रहे थे उनको मारा पीटा गया। अगर 12 मई का आपको हिसाब लेना है ना, और 12 मई का इतना जश्न मनाना है या इतना दर्द दुख है, तो फिर 27 दिसंबर को जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था, शहीद पिंडी में किया गया था, कराची में 2500-3000 गाड़ी जला दी गई थी, कराची में कराची की उर्दू बोलने वाली खवातीन की इज्जतें और असमतें लूटी गई थी 27 दिसंबर को। कराची में उस दिन इतना दंगा फसाद हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि MQM ने शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया है। कितना गलत तर्ज सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस दिन दिखाया। क्या उस वक्त जिन लोगों ने क्राइम किया, जराइम किया, जो लोगों को मारा, इज्जत किसी एक को गिरफ्तार किया? बल्कि उनकी FIR वापस ले ली गई, उनके मुकदमात वापस ले ली गए। कल अगर यही सब कुछ MQM के कारकुनान से हो जाता तो आप देखते कि पूरा पाकिस्तान उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहा होता, राह का एजेंट कह रहा होता, इंडियन ट्रेनर कह रहा होता कि वहां से ट्रेनिंग करके आके। कल गोलियां चली हैं कराची में, मैं पूछता हूं कराची पुलिस से कहां थी वो? मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कराची में अमन का दावा करते हैं कि जिन लोगों ने कलाशनिकोव की गोलियां चली हैं, लोगों को सरेआम मारा गया है, डंडे पत्थर लाठियों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। साजिद भाई चुप, क्या FIR कटी किसी की? अगर ये कहीं MQM का कारण कर देते तो इतना शायद डायरेक्ट उनको गोलियां मारी जाती। अगर ये सब MQM के शायद उनको जेलों में बंद कर दिया था और अब तक मुकदमात बन चुके होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब